हाय फ्रेंड्स मु सुशांत स्वागत करुच्चे आपको सुशांत ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को। तो फ्रेंड्स आज आम प्लस थ्री सेकेंड सेमिस्टर एथिक्स एंड वैल्यूज यूनिट वन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आज डिस्कसन करवा। प्रीवियस क्लास में आम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एवं एथिक्स एंड वैल्यूज सेकेंड सेमिस्टर सिलेबस डिस्कसन कर सारी आपने डिस्क्रिप्शन जाकि प्लस थ्री आपने डिस्क्रिप्शन जाकि सेकेंड सेमिस्टर एथिक्स एंड वैल्यूज क्लास प्लस जा सिलेबस एवं जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आम डिस्कसन करछे देखिपारे। तो ये भिडियोटी आपणकर प्लस थ्री आर्ट्स कॉमर्स साइंस सब पे रही आम उभय ओडिया और इंग्राजी में इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कसन करवा। 5 मार्क प्रश्नोत्तरी आपन गोटे आसपे। तो भलसे भिडियोटी शेष पर्यंत देखिए और आपणकर जो संग एथिक्स एंड वैल्यूज क्लास करपारना से सेयर करदे जहाँद्वारा से क्लास करेंगे। चैनल को प्रथम थर आसला चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदे जहाँद्वारा ये इंपोर्टेंट एथिक्स वैल्यूज क्लास गुड़िक आपन पाखे सर्वप्रथम पहुंची पार। तो फ्रेंड्स चलतु भिडियो स्टार्ट करवा। तो फ्रेंड्स आज आम इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कसन करवा उभय इंग्राजी ओडिया आगुआ इंग्राजी डिस्कसन करवापर ओडिया। तो यहाँ पर आम ऑब्जेक्टिव्स डिस्कसन कर सारी मूल उद्देश्य संविधान। तो आपणकर इंट्रोडक्शन सर आम प्रीएम्बल डिस्कसन करवा और तार साइलेंट फीचर्स डिस्कसन करवापर आपणकर यूनिट वन कंप्लीट हो। तापर यूनिट वन आम एक मार्किया दुई मार्किया पांच मार्किया सिलेक्टिव क्वेश्चन सब डिस्कसन करवा। तो जिते मात्रा हम आपने वीडियो को शेयर करते आपन सांगन पाकू। तो रही दि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दि मॉडर्न स्टेट इज वेलफेयर ऑफ इट्स पीपुल फॉर अचीविंग दि वेलफेयर ऑफ इट्स पीपुल ए स्टेट शुड हैव ए गवर्नमेंट फंक्शनिंग विथ ए सीट ऑफ लॉज दि डॉक्यूमेंट्स व्हिच कंटेन the laws and rules which determine and describe the form of the government and as well as its relationship with the citizens is called a constitution. A constitution lays down the objectives of the state which it has to achieve. It also provides for the various structures and organs of the government at different levels and outlines the rights and duties of the citizens. The aim of our constitution makers was to prepare a constitution for all its citizens. There was a consensus of the basis framework of our constitution. The Constituent Assembly wanted an inclusive constitution. तो आर ओडियाटा रहउछि आधुनिक राज्यर मूल उद्देश्य हेउछि यार लोकमानंकर कल्याण। यार लोकमानंकर कल्याण को संग्रह करिया पई एक राज्य एक आईन सहित एक सरकार कार्य करिबा उचित। जो दलिल गुड़िकर आईन एवं नियम रही जहाँ सरकार रूप निर्णय करे एवं वर्णना करे एवं नागरिक मान सहित एक संपर्क को नागरिक मान सहित यार संपर्क को संविधान कह जाए। तो आपणकर भी पढ़ी पारे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन दुई मार्किया। रही विभिन्न स्तर में सरकार विभिन्न गठन एवं अंग एवं नागरिक मान अधिकार एवं कर्तव्य वर्णना करे। आमर संविधान उद्देश्य निर्माता मान यार समस्त नागरिकों एक संविधान प्रस्तुत करवा। आमर संविधान मौलिक ढांचा पर एक सहमति होता विधानसभा एक अंतर्भुक्त संविधान चाहूला। तो आपको जो मानकर इंग्लीश दरकार आप नोट को लिखिदेवे और जो मानकर ओडिया दरकार नोट को लिखिदेवे। तापर रही आज ए मॉडर्न वेलफेयर स्टेट आवर कंट्री इंडिया इज गवर्न थ्रू ए कॉन्स्टिट्यूशन। दि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय दि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिटवीन 1946 1949 CE after a rigorous process, debate and deliberations, the Constituent Assembly laid down certain ideals which are reflected in the preamble of our Constitution. The ideals include commitment to democracy and assurance to its citizens of justice, equality and freedom. The Constitution of India begins with a preamble. The preamble contains the ideals, objectives and basic principles of the Constitution. The salient features of the Constitution have evolved directly and indirectly from these objectives with the flow from the preamble. This chapter is going to discuss the political philosophy reflected in the preamble and the salient features of Constitution. The idea ta hochi eko adhunika kalyanakari rashtra bhabare ama desha भारत एक संविधान भाव में परिचालित होयालू 1949 ख्रीटाब्द मध्य विधानसभा द्वारा भारत संविधान गठन कर जहाँ एक कठोर प्रक्रिया वितर्क एवं विचार विमर्श पर होता। आदर्श गणतंत्र प्रति प्रतिबद्धता एवं न्याय समानता और स्वाधीनतार नागरिकों प्रति निश्चितता अंतर्भुक्त। भारतर संविधान एक प्रिएम्बल बा मुखबंधु प्रिएम्बल बा मुखबंध आरंभ होइछि। प्रिएम्बल बा मुखबंधरे संविधान आदर्श उद्देश्य और मौलिक नीति रही। संविधान प्रमुख वैशिष्ट्य गुड़िक उद्देश्य प्रत्यक्ष और परोक्ष भाव में विकसित होइछि। मुखबंध बा प्रिएम्बल प्रभाव सहित यह अध्यायटी प्रिएम्बल में प्रतिफलित राजनीतिक दर्शन और संविधान प्रमुख वैशिष्ट्य विषय में आलोचना करने को जाउछि। तो आपणकर यहाँ इंट्रोडक्शन संविधान आमे संविधान मूल उद्देश्य डिस्कसन कर सारी आपने से दुईटा को नोट कर लिखिदेवे। आपणकर इंपोर्टाट रही एक मार्क दुई मार्क हो आप पांच मार्क हो आसीपे। तो नेक्स्ट क्लास में आम प्रिएम्बल डिस्कसन करपर प्रिएम्बल विभिन्न साइलेंट फीचर जो रही तार डिस्कसन करवा जमीक आपणकर सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर एगुरा सब आम डिस्कसन करवा जहाँ सब पर आपको डिस्कसन हम सब आपंकर इंपोर्टाट रही दुई मार्क हो पांच मार्क हो सब आपंकर आसो। तो एबू नोट कर लिखुँ जब आमर क्वेश्चन डिस्कसन हम एक मार्क दुई मार्क पांच मार्क आपने पाखे आंसर थी। तो आशा करूँ भिडियोटी आपंपाई किसी हेल्पफुल होती है। तेरे भिडियो गोटे लाइक और सांग सहित निश्चय सेयार करदे जहाँद्वारा आपंकर सांगने एथिक्स एंड वैल्यूज क्लास करेंगे। जदि भी आपंकर कौन डाउट अच्छी तेज निश्चय कमेंट कमेंट करेंगे। चैनल को प्रथम थर आसाला चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदे जहाँद्वारा ये इंपोर्टेंट एथिक्स एंड वैल्यूज क्लास विभिन्न एजुकेशनल न्यूज अपडेट एवं विभिन्न प्लस थ्री विभिन्न सेमिस्टर क्वेश्चन एवं इंपोर्टेंट जॉब अपडेट गुड़िक आपके सर्वप्रथम पहुंची पार। तो फ्रेंड्स वीडियो टेट रखा धन्यवाद।